इंदौर के देपालपुर तहसील में रहने वाली एक विधवा बहू ने अपने सास ससुर पर मकान हड़पने का आरोप लगाते हुए इंदौर कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद परिवार वालों ने मेहनत से बनाए गए घर को हड़प लिया। बता दें कि कुछ ही समय पहले महिला के पति ने आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया था। वहीं अब अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने पीड़िता की शिकायत के बाद SDM को पूरे मामले की जांच सौंपी है। ये शिकायत लेके आई हूँ सर कि आज मेरे पति इस बार हो गए, मैं सास ससुर को हिस्सा नहीं दे रही, मैं छोटे छोटे बच्चों को कॉल लेके जो आज मेरे पति ने सुन के उन पसीने से मकान बनाया वो मकान बेच रहे हैं। आज सास ससुर इसमें उनके साथ दो दो तीन तीन बार हाथ लगा, किसी ने परिवार वालों ने कुछ नहीं बोला। आज वो चले गए तो परिवार वाले 24 घंटे उसी घर में धरना दे के बैठे न। सर मेरे बच्चों को नंगी नंगी गाली देते और वो बोलते बोले इसके बाप मरा उसी जगह इसका इनका खड्डा खुदवा के बिठा हुआ। आज मेरी भी जान को खतरा, मेरे बच्चों की जान को खतरा, इन बच्चों उनको लेके मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी रिपोर्ट भी डाली थी, सब कुछ करा और उनके पाप इसके पापा को ऐसा ऐसा मारा था। वो बनेड़े नाका की मोरी वो जो तालाब रहता है ना वहाँ पे 9 जनों ने मिल के मारा, पर मुझे कोई भी वो नहीं करा सर। 24 घंटों प्लॉट था सर, वो हाँ वो खेत था, खेत पे सबने प्लॉट काट रखा था, वो हमने हमारे खून पे 2013 का मकान बना हुआ सर। वो सास ससुर बोल रहे बोले इसको कुतिया को निकालो यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से, तो सर निकाले गए जो वो मेरे बच्चों को ये बता। अभी आप मिले इनसे क्या बोला? सर ने बोला कि कार्रवाई हम करेंगे। आपका नाम? निशा गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले? देपालपुर ससुराल है मेरा, नई तहसील के पीछे मकान है सर मेरा, 2013 में मकान बना हुआ और मैंने समूह ले लेके और मैंने अपनी खुद की रकम गिरवी रख रख के मैंने मकान बनाया सर। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने कभी ये नहीं देखा। जी बिल्कुल, एक बहन आई थी, उनका ये कहना था कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली है, तो उसके बाद उनके जो सास ससुर है उनका जो अधिकार बन रहा है उसको नहीं दे रहे हैं। तो मैंने SDM को फ़ोन कर दिया, उनको SDM के पास भेज दिया, जो भी वैधानिक कार्रवाई उस प्रकरण में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।